एसआर जीके बाय बीके यूट्यूब देखने चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने बाल किशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। भाइयों आज अपना बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, अपनी संस्कृति का निचोड़ है कति, और A1 क्लासेज में जितने बालक बैठे हैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक नंबर इसमें तय जरूर आवे है। पेपर में कई नुक सोचेंगे मास्टर हर टॉपिक के लिए नुक है दे एक नंबर का आवे है, एक के करके 22 होंगे, 22 के 22 एक जगह कितने धरे को नहीं पाऊं। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक का नाम है वो है आभूषण व गहने। के नाम है भाईयो? अरे बोल पढ़ो। हाँ बिल्कुल सही है, आभूषण व गहने। देखो आभूषण का सब ने बेरा है, माता बहन सब का करने है, माँ पा रहे है भाई बेरा है, लेकिन है ना किताबा के नाम उनके अटपटे है पा जाए। ठीक है, तो फोटो बनाने का तो टेम को नहीं महिला का, लेकिन वैसे हम बतावांगे शुरुआत करांगे सिर पे। भाइयों कटे करांगे सिर पे कौन से आभूषण पहरे जावे हैं, कर्म वाइज तरीका ते पढ़ांगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट है? यस सर, ओके रिपोर्ट। तो लो सबसे पहले है भाइयों सिर पे है शीश फूल। के है? शीश फूल। देखो नाम में है सिर पे, इसका मतलब शीश फूल। 12 में लगाया जाए पहले डी फिल्मा में आया करता, पुरानी फिल्मा में ईब को नहीं लगा दे क्योंकि ईब एक फूल दो सौ रुपया का हो रहा लगभग, तो उस चक्कर में महंगाई की वजह से प्याजा की वजह से फूल नहीं लगा पा रहे। ठीक है, तो शीश फूल कड़े का आभूषण है। उसके बाद एक ईसाई और है सिर मांग। के नाम है? सिर मांग। जो शादी शुदी जो शादी शुदा महिला है उनका आभूषण है सिर मांग। ओके रिपोर्ट है? यो भी अपने जित मांग भरिया करें उड़े पहले जावे है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को ना। पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा है? सिर मांग। और सिर और माथे में थोड़ा है फर्क है, माथे के आभूषण पेपर में बहुत गणे पूछे था माथे के आभूषण, माथे लिखूंगा माथा कौन लिखू माथे लिखूंगा हरियाणा माथे। ठीक है, सबसे पहला आभूषण है बोरला। के है? बोरला आभूषण आंदे मेरा गाना याद आ जाए भाई, सुना दू के और किसी का जिक्र तो नहीं करोगे, बहुत ही जबरदस्त गाना था गेलियां बोलियो ए बोलियो मेरा बोरला घड़ा, बोलो एक बार गेलियां मेरा बोरला घड़ा दे हो नंदी के बीरा तन न्यू माथे पे रखूं हो नंदी के बीरा। तो बोरला भूषण कड़े का है माथे का, रटना पड़ेगा के काम चल जाएगा, बोरला भूषण कड़े का है। उसके बाद है जी टिक्का। के है? ओहो बहुत जबरदस्त गाना आजकल चल रहा है, हर गली में हर डीजे पर बाजन लाग रहा है यो गाना, तेरे नौ लखे ने फैल करे यो माथे आरा टिक्का, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फीका। तो नौ लखे ने फैल करे तेरे माथे आरा तो टिक्का भूषण कड़े का है, नौ लखा गड़े का आभूषण है। इसका भी एक गाना है मेरा नौ लखा महंगा दे हो सैया दीवाने। तो टिक्का आभूषण गड़े का है माथे का। एक और आकर है देखो वो बोरला बेर का आकार का हो, बेर का आकार का कैन का मतलब ये हो, बोरला लागे और का मतलब यह है लुगाइया में जो सबसे बड़ी महिला है बुढ़ी महिला वो पारिया कर दी, इसका मतलब है लाल बत्ती वाली गाड़ी पर का काम हो इसका भाई, सब ते सीनियर गाड़ी है या भाई, यो महिलाओं का मंत्री है, मतलब यो मंत्रिमंडल में शामिल है, जो वह महिला जो है वह मंत्रिमंडल में शामिल है। ठीक है, तो यो बहुत ही माथे का आभूषण है लाल बत्ती वाली गाड़ी, एम्बुलेंस भी कह सका इनापा क्योंकि सारी महिला खड़ी हो लिया करें, बूढ़ी लुगाई आओ जी पांच अपन खातर लाइन बना लिया करें, फिर वह आशीर्वाद दिया करे जोड़ी बनी रहो सुहागण हो फलाना हो जो भी है। ठीक है, बोरला उसके बाद कौन सा है? एक है मेमद। मेत माथर मेत मेमद भाई यो के बढ़िया जी माथे का आभूषण है, सारे पे गाने थोड़ी बढ़िया रहे। ठीक है, तो मेहमद भी आभूषण कड़े का है माथे का, कड़े का है। आरती को दिक्कत परेशानी सिर मांग शीश फूल बोरला टिक्का मेमद माथे का। ठीक है, माथे के बाद आ जाओ कन्ना पे भाई, कन्ना पा जावा एक बार साफ कर लेंगे बोर्ड।
क्योंकि आराम तो टॉपिक पढ़ाने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो किताबा में तो लिखे रहा है। काना में सबसे पहले पारांगे बाली, कान का आभूषण के है बाली भाई, कान का आभूषण लिखो बाली, क्या लिखा हो बाली। उसके बाद है झुमका, के है झुमका। ओहो हो, क्या गाना बना था मेरा झुमका गिरा है बरेली के बाजार, मेरा झुमका गिरा कड़ा गिरा था झुमका भूषण है बाली भी आजकल झुमकी भी के है, इनका थोड़ी ही चैन ही लटक गया है झुमकी। उसके अलावा कान का है करण फूल, के है भाई। बात इसी है, आजकल आभूषण बहुत घने हो रहे हैं, कानना में भी छत छह पैर ले हैं, सात सात पैर ले हैं, वो ब्योत के ऊपर बात है। पहले तो जो है अपना जो देहाती लोग थे, मोर के चंदे या बुआरी की सी कानना में गाल लिया कर दे, ये तो एक बे दो बे तीन बे चार बे, इतना कान का चक्कर पूरा ना हो इतने बिंदे भाई मोदी ने नोटबंदी कराई जीव कान बिंदने शुरू हुए हैं, क्योंकि वो सारे पीछे बैंक मार लिए थे ना, तो थोड़े पीछे उन्हें कान बिंद वा लिया कर दे ऊपर था, ठीक है। तो कर्ण फूल कड़े का है, बाली कड़े की है, झुमका भी झुमकी भी, और भी के में है कान का बुजनी, बहुत जबरदस्त आभूषण है, पेपर माया और है, बुजनी आभूषण भी कड़े धारण करा जा है कान में, बुजनी कड़े करा जा है कान में। सर सबसे पहले सिर का, फिर माथे का, और फिर कान का, उसके बाद आ जाओ नाक का, क्या का नाक के आभूषण, नाक में लौंग के है भाई, लौंग दालिस्कारा यो भी गाना है लौंग, और उसके बाद नकेसर के है, नकेसर आभूषण कड़े का है। एक नथ के है, नथ भी नाक की, नथ भी क्या की है, बहुत गण आभूषण और भी पारे जा है नाक में, लेकिन पेपर में इन्हें दो तीन में कहा लेगा लौंग का आभूषण है, नकेसर भी नथ भी और भी कि में पारा जा है, पुरली के पारी जा है, पुरली आभूषण कड़ा का है। कसूते याद था असल में, तो हमने सारी चीज एक बार यहाँ जी के पटे पाचे भूलन का कोई काम को नहीं भाई, ठीक है। वो भी है ना ऊतनी का अनपढ़ रह गया है, ईसा काम ना हो अगली पुरली मंगावर था हम गुआ की पूरी ठह लिया हो तो था हमने बेहरा होना चाहिए, अगर आज मंगाया के है घर ने ताकि रोटिया ने कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यो ध्यान रखियो, सबसे पहले क्या का आभूषण है, फिर माथे के, फेरे फेरे नाक के, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आठ आभूषण, कौन से आभूषण है आठ के आभूषण, आठ था मैं तो भाइयों, ओहो हो क्या कहता ओली बोलिया है इसका यह याद थी बेचारे का हाथ फूल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इन्हें आइडिया ला लिया, कान्ना में कर्ण फूल तो हाथ में हाथ फूल बिल्कुल सही है, अथफूल हाथ क्या आभूषण के है, अथफूल आभूषण है, पांचों अंगलिया में पारा जाए, चार अंगली गुट, और ज्यादातर शादी शुदा में जो भाण हो चावल चूल मारे अगर भाई का तो जी पारे अगर सारे श्रृंगार करे अगर भाण बेटी सबकी बराबर हो है, तो संस्कृति है अपने हमने पढ़ानी पढ़ लाग रही साथियों। अथफूल क्या क्या आभूषण है, उसके बाद अंगूठी, किस अंगूठी भी, ये सब ने बेरा अंगूठी अथफूल, लेकिन जो पेपर में आता आर सी क्या थी, महिला के दाहिने हाथ के अंगूठे में, महिला के दाहिने हाथ के अंगूठे में यो आरसी तो पारा जा है, ठीक है। अथफूल अंगूठी आरसी, उसके बाद यो गलत है रे पेपर में दामनी, या क्या आ गई जी दामनी, दमन नीचे पैरी जूती वा दामनी को निया, ये देखो दो आंगली दिखन लाग रही है, इन दोनों आंगलिया में एक साथ पारी जागर है, जो कर अथफूल है पांचाम पारा जाना है, तो दो आंगलिया में एक साथ जो गुठी पर पारी जागर है उन्हें दामन या दामनी कम है, ओके रिपोर्ट। उसके बाद कड़े के भाई, कड़े भी हाथ में, कड़े भी उसके बाद छन कंगन के है, छन कंगन भी कड़े पारा जा है, वो गाना है ना कंगन कंगन ना कर यार कंगन के संग लाया, किसका है यो अंशराज, बहुत बढ़िया, लेकिन पेपर में नहीं आवा हाँ।
क्योंकि पेपर में आओगा दीप चंद वह मन लक्ष्मी चंद, क्योंकि अपनी संस्कृति हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, तो सन कंगन कड़े के आभूषण है। अगला भूषण है यो तो लंगर, यो तो नया है सुना जी, मैं बताऊंगा क्यों है। पुराने टेमा में जब रिश्ते आकर दे तो फोन फान को नहीं थे भाई, मान ले छोरी ने पुचकार आए तो जो छोरा आ रहे थे फोन तो नहीं, वो संदेशा भेजा कर दे भाई हम टूम बनवावा हाँ, तो जो लड़की है उसका हाथ का साइज बता दे, उसके सोने के कड़े बनवावांगे। अगले नुकंदे मारा रीति रिवाज को नहीं था हमने बनवाने हैं, उस साइज के बनवा लो। मतलब पहला बात बूत करने में शर्म मान्या कर दे, तो आजकल तो पहला फोटो है व्हाट्सएप पर भेजा जा रिश्ते का। ठीक है, हाँ तो संस्कृति यह होगी, पहला गोत मिलान दे पहले नुकंदे फोटो भेज दो, फोटो पर आ जाएगी तो फोटो व्हाट्सएप पर टाल हो ले है। एक वो एक थोड़ा था महारा केक लिया कर रिश्ता हो गया, बोला जी 50% हो गया, बोला 50% बोला मेरी ओर तो हाँ से है, अगली 50% अगले यहाँ रह रहा है, बोला कोई हाथ जाओ सही। ठीक है, तो कहने का मतलब यो है वो साइज मांगा करते भाई किसे कड़े बनवाने हैं, कहते छोटा कड़ा बन जाए बड़ा सोने का काम है, तो कई बार क्या करते छोरी के हाथ पतले हो जान दे, पतले मतलब और कड़ा चौड़ा बनवा दें दे, पानी ने लेन जान दी तो वह बिचारी नु टोकनी ठान दी नो कड़े आड़ा जान दे भाई वो कड़े वह सिर पर बिचारी नु टोकनी दर दी वो कड़े सोने के आड़ा जान दे, तो इन कड़िया ने डाकन खातर उन कड़िया का नीचे के बंद आकर है लंगर, तो लंगर भी आभूषण कड़े का है, हाथ का कड़े का है, आगे समझ में ओके रिपोर्ट इस ताक बढ़ांगे हाथ के बाद है जी पैरा के आभूषण। पैरा तो पहले आ रहे कमर के आभूषण, वाह जी वाह, कमर का तो था हमने सब नहीं बेरा होगा। एक तो है जी कणकती, कमर में क्या लिखांगे कणकति, यो के है जी कमर का आभूषण। उसके बाद है तागड़ी, क्या है तागड़ी, तागड़ी क्षण क्षण बोल रहा है तागड़ी। एक है किते किताब में तो आपने चोप लिखा पाओगा, किते पाओगा चौथ, यो आभूषण कड़े का है कमर का, कणकति तागड़ी चोप भी पा सके चौथ भी पा सके, हरियाणा में है कोई बड़ी बात को नहीं अपनी संस्कृति। यो आभूषण कड़े का है कमर का, कड़े का आभूषण है कर दोगे काम ने, नंबर को नहीं कटा ने भाई भी कटेगा तो कटेगा, देखो मेरा काम यो है टोपी का है ना अपना हिसाब से दाम करवा लो। ठीक है, हाँ टोपी के समझ माना चाहिए, टॉपिक समझ में आओगा तो रटन की जरूरत को नहीं पड़े, ना तो ये साल आ गया करे पेपर में जो कर छल कड़े आ रहा था हरियाणा पुलिस में भी कराऊंगा आगे, छल कड़े जुड़ दे था रनू बहम हो जा हाथ में पैरे जाए, छल कड़े आभूषण कड़े का है पैरे का, तो कमर के आभूषण हो गए। उस तो ऊपर एक बात और रहेगी थी गले के आभूषण, था हमने बताए को नहीं गले के आभूषण, क्या क्या आभूषण है मंगल सूत्र कड़े का है, एक तो मैथ का सूत्र हो एक मंगल सूत्र, दोनों काम बांधन का हो। ठीक है, वो सवाल ने बांध दे है, वो आदमी ने बांध दे है। ठीक है, काम दोनों एक साइड करे अलग अलग दिशा में है। ठीक है, वो तो अपना क्षेत्र देखा जा है, जुगर दर्जी का जाकर बुझोगे तो सारी बात इसी करेगा के करे है अकपा काटू हूं। दर्जी की भाषा बताऊ वो के बताऊगा के करे है पा काटू, पाछे के करेगा फिर गड़ काटूंगा। मतलब वो बतावत अपने लत्या की है लेकिन उसकी भाषा ऐसी है, पहला बताओ क्या करेगा पा काटू, दोबारा पूछे क्या करेगा फिर गड़ काटूंगा, पाछे क्या करेगा फिर गोज काटूंगा। तो हर आदमी का अपना अलग अलग क्षेत्र है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे मंगल सूत्र है अपनी रीति रिवाज है, इस आदमी बहुत ही शुभ माना गया है, मंगल सूत्र कड़क आभूषण है। उसके बाद है जालरा, जालरा भी कड़क है, चैन भी कड़क की है गले की, और गलसरी भी असली भी गले की, और जो बता था मेरा 9 लाख मंगा दे वो भी कड़क है गले का आभूषण, कड़क है ये पूछो मंगल सूत्र जालरा चैन गलसरी असली और यो के है 9 लाख भी कड़े का है गले का, सीधा नुए लिख दिया गले का 9 लाख भी कड़े का है गले का, समझ में। बहुत गहने हुए हैं 500-700 प्रकार की टूम हुए हैं,
लेकिन आपने थोड़ी बनवानी क्योंकि अपना ब्योत कम है, ठीक है। वैसे बहुत गणियों है। अर जय अगले नुबू जके के टूम गालनी है तो यो थारे काम आओगा भाई, यो लड़कियां का भी लड़कियां का भी। अगले नुबू जके के टूम बनवानी है, इसकी फोटो कॉपी दे दियो पेज की, जो सी अच्छी लागे वो बनवा दे इसे मेरे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पैरों के आभूषण, कितने भाई हो? रमजोल, कौन सा है? रमजोल या कड़े की है? पैरा की। रमजोल भी कड़े की है। उसके बाद है पाजेब, के है पाजेब, कह दो पाजेब कह दो, पायल पायल, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक गाना भी आया था, पैरा में पजेबा ने मचा दिया शोर। आपका थाम बोल लिया, और मैं तो थोड़ा हा बता सकूं, सारा ना गा सकता। पैरा में रमजोल, पाजेब या पायल, उसके बाद है छलकड़े जो पेपर मारे थे, कौन से हैं? छलकड़े कड़े पारे जा है पैरा में, कड़े पारे जा है पैरा में, पारे जा छलकड़े। उसके बाद है बिछुए, क्यों है? चुटकी का आग्रह जिसने, बिछुए भी कड़े पारे जा है पैरा में, जिसने चुटकी कह लो बिछुए कह लो, एक के बात है। उसके बाद है कड़ी, बूढ़ी लुगाई पारा कर दी, कड़ी भी कड़े पारी जा है पैरा में, कड़े पारी जा है। लेकिन कल काला पेपर में एक पुरुषा का आभूषण आ रहा था गुलबंद, के पूछ रखा था गुलबंद कड़े का आभूषण है गले का, कड़े का। और मूर्खी पुरुष पा रहा कर, मूर्खी कान में कड़े पारा करे हैं पुरुषों द्वारा, जो मूर्खी वो कड़े पारी जा है कान में पारी जा, ठीक है साथियों। गले के हो गए, हाथ के हो गए, और बाकी भाई आजकल भाई कितने भी पैर ले हैं, आजकल तो फैशन हो रहा है। एक बाजूबंद है, के है बाजूबंद आभूषण, कड़े का है हाथ का, कड़े का है, कोई टेंशन है, समझ में आ गया, ठीक है। मार कर दे भाई, साथियों जो अपना छोटा टॉपिक था आज के लिए इतना है, जय हिंद। आवाज ना आई भाई, एक बार फिर बोलो, आज के लिए इतना है, जय हिंद जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, रिपोर्ट करो जी।